नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी कटिंग्स जिनका लगभग 100% रिजल्ट मिलता है और जिनसे हम अपने घर को बहुत ही सुंदर सजा सकते हैं, इनको इंडोर लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसी इंडोर कटिंग्स आज आपको मैं बताऊंगी जिनको आप लगाइए और अपने घर को अंदर से सुंदर बनाइए, ग्रीन बनाइए, और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो मैं नाम लूंगी वो मनी प्लांट का। मनी प्लांट आप सभी जानते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है और हमारे घर को भी बहुत सुंदर बना देती है जहाँ भी हम लगाते हैं इसको। आप किसी भी छोटे से कंटेनर में लगाइए, बास्केट में लगाइए या फिर पानी में लगाइए, सब में ये आराम से चल जाती है। तो दोस्तों पानी में लगाते हैं हम तो पानी में चलती है, लेकिन जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी दें। ज़्यादा पानी देने से हमेशा ये ख़राब हो जाएगी, ग्रोथ भी इसकी कम होगी। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी कटिंग लगाएं पानी बहुत ही कम दें, और कटिंग लगाते समय जो मिट्टी होती है उस वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसमें या तो मिट्टी में रेत मिला लीजिए या फिर कोकोपीट में कटिंग लगाइए तो बिल्कुल 100% चलेंगी। आप देख सकते हैं मैंने ये कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी और कितने अच्छे से दोनों कटिंग चल रही हैं छोटे से ग्लास में। इसी तरह से मैंने एक जगह और लगा रखी है, देखिए इसमें भी अभी लगाई थी, देखिए कितने अच्छे से नए पत्ते निकले हैं, और भी कई जगह लगी हुई है। इसके अलावा जो दूसरी जो मैं कटिंग्स आपको बता रही हूँ वो है टर्टल वाइन। ये मेरी बिल्कुल फेवरेट है और देख सकते हैं आप इसकी लंबाई कितनी बढ़ चुकी है, बिल्कुल लगभग 2.5-3 मीटर की ये हो चुकी है और अभी तो बढ़ ही रही है। तो इतनी सुंदर लगती है ये, बिल्कुल जैसे एक हरा पर्दा लग गया हो विंडो पर, और पूरी बास्केट अभी घनी ही होती जा रही है। अभी इसमें और भी नई ब्रांच आ रही हैं छोटी छोटी, तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इतनी छोटी सी कटिंग भी आप कहीं से भी चुरा कर ले आएंगे ना, उसको आप अपने गमले में कहीं भी लगा दीजिए, उसी से आप पूरी बास्केट तैयार कर लेंगे और भी 10-11 गमले तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये इतनी बिल्कुल एक छोटी सी कटिंग लगाई है वही फैलती जाएगी पूरे में, तो बहुत जल्दी फैलती है, बहुत ही आराम से हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसका वीडियो भी इनके मेरे चैनल पर सबके हैं किस तरह से लगानी है इनकी कटिंग्स, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही आसान है इन सबको लगाना और रिज़ल्ट भी इनके लगभग 100% ही मिलते हैं दोस्तों। तो ये कटिंग तो मैं अपने साथ इंडिया से ही लाई थी, अपनी पहली बालकनी से ही, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रो हुई है। और जब हम यहाँ आए थे कम से कम 15 दिन तक तो इनको मिट्टी भी नहीं मिली थी, मैंने पानी में ही इनको डाल दिया था, और उसके बाद मैंने जब लगाया था इनको, नीचे से देखिए कई कई इसमें से ब्रांच निकल रहे हैं। तो बहुत ही पुराना रिश्ता है इसके साथ, तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों। आपको कहीं भी मिले ना ये, तो आप इसको ज़रूर लगाइए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये प्लांट है। तो देखिए कितनी सुंदर लगती है, बिल्कुल पूरी विंडो जो मेरी है वो इसकी वजह से पूरी ग्रीन रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने ये अपना फेरी हाउस बनाया था अभी लगभग 1 महीना हुआ है इसको, और जब मैंने इसके चारों तरफ ये छोटी छोटी सी कटिंग्स टर्टल वाइन की लगाई थी, आप देख लीजिए सभी ग्रो करना शुरू हो गए, सभी चल रही हैं, देखिए सब में से नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। तो 1 महीने में ही देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई है। जड़ तो इसकी 1 हफ्ते में ही बन जाती हैं, और चारों तरफ जहाँ जहाँ भी मैंने लगाई थी वहाँ वहाँ से सब में से देखिए नई नई पत्तियाँ निकलने शुरू हो गई हैं। तो इतने आसानी से ये बिल्कुल चल जाती है। कुछ कटिंग्स मैंने इसमें भी लगाई हुई हैं छोटे से ग्लास में, इसमें भी देखिए सब चल रही हैं बढ़िया, और अभी ये बिल्कुल भर जाएगा थोड़े दिन में ग्लास। इसके अलावा एक बास्केट अभी मैंने 4 दिन पहले ही ये तैयार करी है, देखिए इसमें भी जड़ें बनना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से टर्टल वाइन लगा सकते हैं और बहुत ही 100% रिजल्ट मिलते हैं, और सुंदर तो ये बहुत ही लगती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है विंडरिंग जू प्लांट। ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसको भी आप किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएंगे उसमें भी ये बिल्कुल आराम से चल जाता है। कोई भी चीज़ खाली पड़ी हो, बॉटल या फिर कोई भी, उसमें भी आप लगा सकते हैं और बास्केट में भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से पूरी बास्केट बिल्कुल घनी हो गई है और रंगीन पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप किसी भी विंडो पर टांगें या फिर किसी भी टेबल पर किसी छोटे से कंटेनर में लगा के रख दें तो बहुत ही सुंदर लगती है, और इसका भी लगभग 100% रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इतना आसान है, इसको किसी भी जैसे ही छोटी सी कटिंग है इसको काट लीजिए और लगा दीजिए कहीं भी, बस आराम से हो जाएगी। बस ध्यान यही रखना है हमें, एक तो पानी कम देना है
और इंडोर रखिए कटिंग्स को लगाने के बाद। और बिल्कुल ऐसी जो मिट्टी होती है, या तो कोकोपीट या फिर मिट्टी और रेत दोनों को मिक्स कर लें, उसमें आप इसको लगाइए तो बिल्कुल चलेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बोतल में लगाइए कुछ दिन पहले और आप देखिए इसकी लंबाई, देखिए छोटी सी बोतल में लगी हुई है और इसकी पत्तियाँ कितनी लंबी हो गई हैं, तो कितनी सुंदर लगती है कहीं भी रख दें तो। और इतनी छोटी सी कंटेनर में और इतनी बढ़ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये तो नीचे की तरफ भी हैंग कर रही है। तो इस तरह से आप इसकी कहीं से भी कटिंग आपको हो या फिर आपके घर में हो तो उसमें भी उसमें से आप कट करके बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। और ये सब मैं आपको साथ के साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप रिज़ल्ट भी साथ के साथ देख सकें कि कटिंग्स इनकी चलती हैं। उसके बाद ही मैं ये बता रही हूँ पूरे जांच पड़ताल के साथ कि इनकी कटिंग्स 100% चलती हैं, इसीलिए मैंने इनको 100% चलने के का नाम दिया है। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये जो फेरी हाउस है इसमें लगाई थी कटिंग्स, देखिए आप कितनी बढ़ चुकी हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। इसकी कटिंग तो मैंने बहुत जगह लगा रखी है और जहाँ भी लगाती हूँ वहीं पर चल जाती है, तो बिल्कुल मैं लिख कर कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल पक्का चलती है। बस अगर आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, तो पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए यहाँ पर मनी प्लांट की भी लगाई थी कटिंग, ये भी चल रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है देखिए बेबी टीयर्स, बहुत ही सुंदर और बड़ा ही अलग सा ये प्लांट है। छोटी छोटी सी इसकी पत्तियाँ होती हैं, थोड़ा स्लो ग्रोथ होती है इसकी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और अब तो ये मेरे बिल्कुल छोटे से गमले में था, अब देखिए अब तो पूरी बास्केट ही भर चुकी है और बास्केट में नीचे से बिल्कुल हैंग भी करने लगी है ये, और बिल्कुल फुल ग्रीन रहती है, बहुत ही सुंदर लगती है ये। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल इन सारी कटिंग्स की तरह बिल्कुल इजी आराम से आप इसको लगा सकते हैं। और देखिए छोटे छोटे से कितनी सुंदर लगती हैं इसकी पत्तियाँ, ऊपर से देखिए किस तरह से भर गई है बिल्कुल। तो इसको ज़रूर लगाइए और कटिंग से इसको लगाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल छोटा सा गमला 2-3 इंच का था जो मैं लेकर आई थी, और उसमें से मैंने कटिंग कर करके पूरी बास्केट ये भर ली। उसके अलावा मैंने और भी कई जगह कटिंग लगा ली, तो बिल्कुल जहाँ भी लगाओगे वहीं चलेगी, लेकिन बस पानी इसमें बहुत ही कम देना है, और इतना कम कि इसमें तो 5 से 6-7 दिन में पानी एक बार देना चाहिए, बहुत ही कम पानी चाहिए इसमें। देखिए इसमें मैंने फेरी हाउस में इसकी कटिंग भी लगा रखी है, रिजल्ट के तौर पर आप देख लीजिए इसमें, देखिए कितने अच्छे से ये उसी में से लगाई थी बास्केट में से ही कट करके, कितने अच्छे से चल रही हैं, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये भी इसी तरह से हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हैंग करती हैं इसकी भी नीचे की तरफ लटक जाती हैं ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, और ग्रीनरी बहुत अच्छी देता है ये प्लांट। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है स्वीट पोटैटो वाइन। ये दो तरह की होती है, एक तो ग्रीन वाली जो ये आप देख रहे हैं, और एक होती है थोड़ी सी रेड कलर में मैरून कलर की, तो वो कोई सी भी आप लगाएं, दोनों ही कटिंग से बहुत ही आसानी से चलती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं बिल्कुल। देखिए दो तो मैंने इसी में लगा रखी हैं, मैं एकदम से कटिंग लगाना शुरू कर देती हूँ, और एक मैंने अपनी जो बास्केट बनाई थी फूल वाली उसमें लगाई थी लगभग 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले, इसमें तो ये बहुत अच्छे से चलना शुरू हो गई है। देखिए इसमें 2-3 पत्तियाँ नई निकल चुकी हैं, और अभी एक देखिए नई पत्ती निकली हुई है, और अंदर से देख सकते हैं आप ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है, तो आराम से लगभग 20-25 दिन में स्टार्ट हो जाती है पत्तियाँ निकलना, तो अभी ये हैंग करना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो मेरा प्लांट है वो बहुत ही सुंदर, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दोस्तों, बिल्कुल हरे मोती जैसा लगता है ये प्लांट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है, ये बिल्कुल सकुलेंट प्लांट है, और सुंदर तो इतना लगता है कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हरे हरे मोती रखे हों इसकी पत्तियाँ। दोस्तों ये भी बिल्कुल 2-3 इंच का गमला होता है ना छोटा वाला, उसमें मैं इसको लेकर आई थी, और मैंने उसी में से कटिंग कर ये बास्केट तैयार कर ली है। दोस्तों अब तो ये पूरी बास्केट भर गई है, और चारों तरफ से ये हैंग भी करने लगी है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हरे मोती लटके हों, और ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरह से नई नई छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, तो बहुत ही इजी है इसको कटिंग से लगाना। ऐसे ही बस मिट्टी के ऊपर लंबी सी ब्रांच ऐसे रख देंगे तो उसमें से भी स्टार्ट हो जाती हैं जड़ें बनना,
या फिर कट करके कोई भी ब्रांच उसको आप मिट्टी में लगाएंगे तो भी चलने लगती है। पानी इसमें 8 से 10 दिन में देना है, बहुत ही कम पानी चाहिए, बस हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। जब भी आप कटिंग लगाएं कोई भी पानी ज़्यादा दीजिए ही मत, तो हर कटिंग 100% ही चलेगी। और ये जो मैंने कटिंग्स बताई हैं ये तो पक्का दोस्तों 100% इनका रिज़ल्ट मिलेगा। बस इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि पानी बिल्कुल स्प्रे से दीजिए, 2 से 3 दिन में बहुत ही कम पानी दीजिए और इंडोर रखिए, तो ये इंडोर बहुत ही सुंदर लगेंगी सारी कटिंग्स। कुछ ही दिन में आप इस तरह से बास्केट्स बिल्कुल तैयार कर लेंगे अपनी। तो आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।